नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Blocks to Make Things में। 6 अगस्त को प्रतिवर्ष फ्रेश ब्रीथ डे यानी कि ताजा सांस दिवस मनाया जाता है। यह दिन मौखिक स्वच्छता और इसके महत्व को दर्शाने हेतु मनाया जाता है। मौखिक स्वच्छता की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का 50% से अधिक हिस्सा खराब सांस में योगदान देता है, जो सांसों में बदबू उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में लहसुन प्याज खाने वालों के मुंह में यह जल्दी फैलता है और ऐसे व्यक्तियों के मुंह से अधिक दुर्गंध आती है। दांतों की सफाई भी फ्रेश ब्रीथ में अपना एक अलग ही महत्व रखती है। लहसुन प्याज का अधिक उपयोग, शराब का सेवन, ब्रश ना करना, चीनी का अधिक मात्रा में उपयोग करना, दांतों पर ध्यान नहीं देना, इन सब कारणों के चलते सांसों में दुर्गंध उत्पन्न होती है। चीनी का उपयोग अधिक करने वाले तथा रात को ब्रश करके नहीं सोने वाले व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके मुंह से दुर्गंध आती है। ताजा सांसें कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। इसको आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। मीठी चीजों का उपयोग रात के समय में कम से कम करें तथा भोजन के बाद ब्रश करें और नियमित रूप से माउथ वॉश से गार्गल करें। अपने दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान दें, नियमित रूप से चेकअप करवाएं तथा खूब सारा पानी पिए। अपने ब्रश को 6 महीने में बदलें। इसके अलावा अगर आप ब्रश नहीं कर सकते तो सोने से पहले फ्लॉस करें तथा लहसुन प्याज का उपयोग रात के खाने में ना करें। इस दिन को मनाने के लिए आप मौखिक स्वच्छता और इससे जुड़ी फ्रेश ब्रीथ को स्वस्थ दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इस दिन मौखिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।